समस्या बहुत चल रहा है। बाढ़ आवेला कितना बकरी कितना माल जाल कितना लड़का डूब के मर जाता है सब। पुल लावके के कारण से ट्रैक्टर के बहुत कष्ट से निकाले के काम होता है। यहाँ बहुत बच्चा मर गए से और घास भूसा लिया में ट्रैक्टर लिया में सब बहुत दिक्कत बा। जना बेरा बाढ़ का मौसम आवेला वो बेरा पानी बहुत ज्यादा में फुला जाला पूरा दियर में पानी हो जाला। दिक्कत बहुत है गांव में घरारी का, इस पर कोई भी यहाँ सरकार का ध्यान कोई नहीं है। ये बात बिहार के सरकार और बिहार के जनता के जोन की बात कितना कष्ट उठावे के पड़ रहा बा वोट देला के बाद और सरकार बनेले के बाद। देखिए छोटा छोटा बच्चा बाढ़ के समय आवेला नन्हा नन्हा बच्चा जोन बड़ा सन हमारे भाई बहन ओकनी के जोन की बहुत दिक्कत हो। जी नमस्कार, हम राजा और आप लोग देख रहे हैं अपन चैनल झलको चंपारण। अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब न करे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई। आज मोतिहारी जिला के मझरिया पंचायत से बात हुई है। पंचायत के सब जनता जोन की बा एक यहाँ मझरिया पंचायत में नदी बा जो नदी के नाम बा चंद्रावती नदी। मझरिया पंचायत इस समय डेवलप के कगार पर डेवलप धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक पुल ना होके के कारण से यहाँ सबसे ज्यादा अगर केहू के परेशानी हो रहा है तब मझरिया गांव के किसान लोग बा। और ई जोन की पुल बा लगभग 10 पंचायत से जुड़ल बा। अगर यहाँ पर पुल के निर्माण हो जा रहा है तो लगभग 10 पंचायत के किसान के जोन की बा खुशहाली के जिंदगी आ जाए। अपने सामने देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जोन की बा ये नदी के बीचों बीच आ रहा बा और यहाँ पर जोन की बा पुल ना होके के कारण से ट्रैक्टर के बहुत कष्ट से निकाले के काम होते। ड्राइवर साहब से बात हुई, बताओ लोचा का दिक्कत होला पुल लेके यहाँ तक? बहुत दिक्कत होला यहाँ बहुत बच्चा मर गए से और घास भूसा लिया में ट्रैक्टर लिया में सब बहुत दिक्कत बा। बहुत सरकार बनल अपने के बिहार में, हर एक साल सरकार चेंज होला, लेकिन हमारे नीतीश चाचा जो की बा 15 साल से हमारा बिहार के गद्दी पर बैठल बा, लेकिन अभी तक मझरिया पंचायत के पुल के निर्माण ना भइल जावना से जब किसान के इतना ज्यादा दिक्कत में समय कि किसान लोग किसानी कर छोड़ दे रहा बा। का समस्या हो रहा बा भैया लोग अपने के से? समस्या ये हो रहा भैया कि मतलब हमने के अभी तो पानी बहुत कम बा, लेकिन जौना बेरा बाढ़ का मौसम आवेला वो बेरा पानी बहुत ज्यादा में फुला जाला पूरा दियर में पानी हो जाला। हमने के परेशान रहनी से हमने के ना मतलब ऊख होला दह जाला ये सब परेशानी होला। थोड़ा सा बच भी जाला कोई फसल नहीं होता, थोड़ा सा बच भी जाता है ऊख तो हम लोग गिराने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि ले जाने में 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अगर यहाँ पे पुल हो जाए तो हम लोग का मात्र कांटा 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, जो मलाही में है और गुजरौलिया में है, कोई भी कांटा पे हम लोग गिरा सकते हैं 3 किलोमीटर में। दूसरा बात कि हम लोगों का डेंगी उपलब्ध यहाँ नहीं मिलता है, अगर हम लोग खूब प्रयास करते हैं तो 1 से 2 डेंगी मिलता है। यहाँ पे बहुत भारी गाँव है, बहुत जनसंख्या ज्यादा गाँव में है। हर एक पंचायत का यहाँ पे 67,000 मतलब घर है पंचायत में, जो कि हम लोग का 5 गो 4 गो डेंगी मिलता है। तो लोग इंतजार करता है कि हमारा नंबर कब आएगा कि हम वो पर जाके अपना घास या अपना कुछ काट के लेके अपना पशु या कुछ को खिलाएंगे। उसके चलते हर एक साल 10 गो से 20 गो गाय और भैंस बार में 2 गो से 3 गो बच्चा मरता है, उसका कोई भरपाया सरकार की ओर से नहीं मिलता है। क्यों? कि यहाँ पे किसान है, किसान का कोई मांग करता है यहाँ से अरे जाएगा अरे से मतियार जाएगा और पैसा खर्चा होने लगता है, छोड़ देता है, प्रयास नहीं करता है लेने के लिए। इसी के चलते हम लोग चाहते हैं कि एक पुल दिया जाए कि हम लोग का बच्चा तो आगे बढ़े, काटा पे हम लोग गाना पे दे सके और समय से पैसा ले सके। बताओ जो पहले कि पुल के निर्माण खातिर कहाँ कहाँ तक आवाज उठेले बनी अभी? ये पुल के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत जगह सांसद जी से भी कहे थे, विधायक जी भी कहे थे, लेकिन वो लोग भी कहे कि हाँ यहाँ पे पुल बन जाएगा, लेकिन पुल नहीं बन पाया। अब हम लोग बहुत बोले, बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोग कोई सांसद और विधायक तो नहीं है कि हम लोग बनवा दे, चाहे हम लोग वहाँ से ऑर्डर पास करा के इसको बनवा सके। हम लोग का प्रयास है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बनना ना बनना ऊपर का हाथ में है। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे। गन्ना ले जाए बहुत दिक्कत होगा, कैसे नदी में जब पानी आ जाए तो बहुत क्षति होला और आवे जाए में बहुत दूर से हमने आवे के पड़ेला, बहुत दिक्कत बा यहाँ हमने के बाढ़ में बहुत लोग दिक्कत हो जाता है, कितना लोग डूब जाला मर जाला। हाँ ये तो 3 कोस से लेकर आ रहे हैं, 3 कोस से। हाँ 3 कोस अइला के बाद जो की पानी हेले के पड़ता। हाँ पानी हेले के पड़ता, वोट देवे के बड़ा वोट देवे नहीं अपने। हाँ सबे लोग वोट सबे देता वोट। हाँ कि हमारे के वोट दी। हाँ जो की बा है मुड़ी पर रखले बनी। हाँ हाँ एकरा केहू नहीं देखे, नकरा कहाँ कोई दे सकता। अच्छा। पुल बना के एकरा कोशिश कराई लवा। अच्छा यहाँ पे नदी में पुल का सकता है, यहाँ पे हमारे गाँव में 10,000 तक जनसंख्या है, यहाँ पे लोग को बसने के लिए घरारी भी नहीं है गांव में, लोग को पुल बन जाएगा तो वो पार जाकर दियारा में भी घर बना, जितना भी लोग जमीन वहाँ नहीं। हाँ वहाँ नहीं है गांव में जमीन नहीं है जगह। हाँ तो वहाँ से लोग निकल कर आकर ये पार बनवा सकते हैं घर, पुल हो जाएगा तो लोग को जाने आने में सुविधा होगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, देखिए कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर फिर
फेरवाज होकर गन्ना ले जाते हैं हम लोग। कोई भी गाड़ी लेकर आते हैं तो हम लोग 20-25 किलोमीटर फेरवाज होकर आते हैं, जैसे गहरी होकर आते हैं, नहीं तो इधर से चटिया दियर होकर आते हैं। इसलिए यहाँ पर पुल का आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। देखिए पुल यहाँ पर बन जाएगा तो हर व्यक्ति का सुविधा हो जाएगा। ये पंचायत के मझरिया पंचायत के जितना भी हम नौजवान साथी और हमारे चाचा लोग भाई यहाँ पर जो कि चचरा के पुल बना करके और यहाँ पर बजा कि लोग आवे जाए के यहाँ जो रास्ता बनैले बा वो भी चचरा के पुल जो कि भाई इस समय ध्वस्त हो चुकल बा और यहाँ जो कि लोग अपना चंदा से पैसा इकट्ठा करके यहाँ चचरा के पुल बनावे ला हरेक साल और हरेक साल जो कि चचरा के पुल टूट जाला। देखल जा बाइक के निकाले में ले जाए में कितना दशा बा। ऐसा ही हमारे चैनल से बना रही और न्यूज के ज़्यादा शेयर करी ताकि ये समय जो भी हमारा क्षेत्र से वर्तमान नेता लोग भाई यहाँ आके देखे कि मझरिया पंचायत के जनता के कितना कष्ट हो रहा है। देखो भाई चाचा हमारे मुड़ी पर लेके आ रहा बड़े बोझ उठा के यहाँ जो उनकी बात सोनवल पंचायत से लेके पांडे टोला यहाँ तक कि अपने के बता दी तेजपुरवा पंचायत पहाड़पुर जौन भी क्षेत्र बाटे पुल से जुड़ल बा। ये पुल से जौन की बा अपने के गोपालगंज जाए खातिर ये बहुत बढ़िया मार्ग बा। मझरिया हम यहाँ पहुँचल बानी चंद्रावती नदी के पास में और यहाँ पर भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष जी यहाँ पर जो उनकी मौजूद बानी और यहाँ से बात हुई कि काजी अपने के सरकार बनल बता कहा है ना कि अपने पंचायत के विकास। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ बहुत धन्यवाद हमारा चैनल से जुड़े खातिर और अपने के मझरिया पंचायत बहुत डेवलप बा हमारा दिखाई दे रहा बा लेकिन एगो पुल ना होके के कारण से जो उनकी बा इस समय बहुत ही हमारा जो उनकी बा जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अभी तक ले हमने के सुने वाला के विधायक ना रहा है अब नवका जो विधायक भइल बा सुनील मणि तिवारी जी भइल बानी उ गरीब के मसीहा बानी सुलभ बानी वहाँ के हर गांव में हर क्षेत्र में घूमल बानी अपने वहाँ के चंद्रावत नदी हेल के सरे में भी गइल बानी तो वहाँ के हमनी सब लोग के दुख दर्द बुझतानी वहाँ से सब पर बात भइल बा कहले बानी कि बहुत जल्द 2022 तक ये चंद्रावत नदी पर पुल बन जाए। हमें कहीं से सस्पेंशन नहीं है मान ली सरकारी काम हो थोड़ा लेट सेट हो सकता लेकिन एकदम पर पुल बनी हमें कहीं से दुमत राय नहीं है जनता के खुशहाली के दिन अपने ला के दिखाए जी एकदम 2022 तक जनता के खुशहाली हो जाए हमें पुल बन जाए लोग अपना सवारी से जाके अपन घास भूसा चाहे अपन जो गेहूँ धान गेहूँ सरसों के जो लड़नी का बोझा वाले देखा था लोग धोता इससे हमारा भी दर्द होता हमारा भी किसानी बा हमारा भी खेती हो पड़ोला हम हुए तहे के बसीना बानी इस दर्द हमार केहू सुने वाला ना रख लेकिन संजोग से प्रभु के मर्जी से हमने स्थानीय विधायक बीजेपी के केहू सुनील मणि तिवारी भइल बानी हमने अपन दर्द वहाँ से कैल हमने के दर्द सुनल बानी चंद्रावत नदी पर कौ बार भी वहाँ कैल बानी हमें आश्वासन दिल बानी कि 2022 तक हर स्थिति में पुल बन जाए हमें कहीं से डाउट नहीं है और वहाँ के हमें लागल भी बानी वहाँ के मैंने अपन जौन प्रक्रिया होला वो प्रक्रिया शुरू कर दिल बानी। अभी चल रहा बा 2021 के तीसरा महीना मार्च लेकिन एकरा बाद बात हुई प्रखंड अध्यक्ष जी से 2022 में 2022 में फिर झलको चंपारण के टीम और भी पत्रकार लोग हम यहाँ के देखे चंद्रावत नदी पर मझरिया पंचायत के पुल के निर्माण अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा रही और ये जौन प्रखंड अध्यक्ष जी बानी यहाँ के साथ कदम से कदम मिला के पूरा मीडिया टीम चली यहाँ जौन की बा हरेक घर में 15-16 परिवार बटे हरेक 15-16 परिवार के खर्चा चलावे खातिर लोग के किसानी के काम करे के बाद मझरिया पंचायत जौन की बा पूर्वी चंपारण क्षेत्र और पूर्वी चंपारण जिला के 1-2 नंबर स्थान पर जौन की आवेला जहाँ कृषि जौन की उद्योग है सबसे ज्यादा यहाँ जौन की बा अपने के 80% से ज्यादा जौन की गन्ना के खेती यहाँ होला और बाढ़ के समय में जौन की हमारा किसान भाई लोग के जितना गन्ना के जौन है बर्बादी भर में लेकिन अभी तक बिहार सरकार के तरफ से कुछ भी मुआवजा ना मिले और जनता जौन की बात काफी परेशान बा और एक पुल ना होकर उससे भी ज्यादा परेशानी हो जा रहा है गेहूँ से लेकर के और मक्का के खेती भी करे में लोग के परेशानी बाटे की आवा जाए कि कोई रास्ता नहीं के पानी हेल करके मूड़ी पर खाद बीज लेके जा करके अगर खेती करी जाए तो वो खेती संभव बात नहीं के भाई जौन खेती में 1 क्विंटल अनाज आवे के चाहिए वो ना पानी पटेला के चलते ना खाद बीज डालला के चलते अगर पुल के निर्माण नहीं करते फिर आई लोग जाई लोग कथी से। तो इसे चैनल से बना रही और चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाई और न्यूज के ज्यादा शेयर करी अगर न्यूज अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर जाओ। जय हिंद जय भारत जय चंपारण।